स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम खत्म हो गया शेरा, अब तुम यहाँ बैठकर आराम खाओ, मैं पेट गिन कर आता। ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन बांधो इसे। शेरा अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो पृथ्वीराज चौहान की तलवार तुम पर उठने से नहीं रुकेगी। देखो पृथ्वी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सही क्या है और गलत क्या है इसका पता बाद में चलेगा, जल्दी बात और चलो। तुम लोग पछताओगे। अर्जुन तुम अपनी नजर इस पे से मत हटाना। मैं मंदिर से शिवलिंग चुरा कर बाबा के तंबू में रखा था, ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। पृथ्वी देखो मेरी बात, पृथ्वी खोलो मुझे। मुझे बाबा के तंबू की तलाशी लेनी है। लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? अब तक तो शासक ने हजारीमल पर शक कर भी लिया हो। क्यों? हजारीमल तो वही है, शासक की आंखों के सामने। तेरे जोड़ू मैं हाथ मेरा इतना काम बना दे। पुंडीर जय भोलेनाथ तेरे जोड़ू मैं हाथ मेरा इतना काम बना दे। जिसे ढूंढ रहा हूँ मेले में, जिसे ढूंढ रहा हूँ मेले में अकेले में, उसे मिला दे मिला दे। उमापति दयालु कृपालु ये क्या पृथ्वी? बाबा ने शिवलिंग को तो पहले ही चुरा लिया, अब क्या होगा? खा गए ना धोखा। ये असली नहीं, नकली शिवलिंग। नकली? क्या मतलब है तुम्हारा? ध्यान से देख, इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। कल सुबह छत्र चढ़ाने की पूजा के समय जब मंदिर के दरवाजे खुले जाएंगे तब ये नकली शिवलिंग असली की जगह रख दिया जाएगा। जैसे ही लोग इस पर जल चढ़ाना शुरू करेंगे, इस पर चढ़ा सोने का पानी उतरने लगेगा। कुछ समय तक ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और जैसे ही ये बात लोगों के ध्यान में आएगी कोहराम मच जाएगा। बाबा ये देखो। अरे ये शिवलिंग को क्या हुआ? ये तो शिवलिंग नकली है। हमारी शिवलिंग कहाँ है? नकली है शिवलिंग। कोटे से मंदिर की शिवलिंग चोरी हो गई। ये तो नकली है। हमारी शिवलिंग कहाँ है? चोरी हो गई। शिवलिंग चोरी हो गई है। चोरी हो गई बाबा। यही भीमदेव का मकसद है, लोगों का विश्वास पिताजी पर से उठ जाएगा। अजमेर की जनता अपने ही राजा के खिलाफ हो जाएगी। नहीं पृथ्वी, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हाँ, सुबह होने से पहले ही बाबा को खत्म कर देते। नहीं पंडित, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए कि कुटेश्वर मंदिर का शिवलिंग खतरे में है। पर बिना कुछ किए हम इस चोरी को होने से कैसे रोक सकते? हम बाबा को अपना काम करने देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो असली की जगह नकली चोरिंग चलाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। सुबह होने से पहले मैं मंदिर से असली शिवलिंग चुरा लूं और बाबा के पास रखाऊं। और सुबह जब पूजा होगी तो बाबा मंदिर से यही नकली शिवलिंग चुरा लाएंगे। भोलेनाथ की जय। बस एक समस्या है। समस्या? अब कैसी समस्या? मंदिर से शिवलिंग चुराने के लिए मुझे मंदिर का दरवाजा खोलना होगा और उस दरवाजे की चाबी मंदिर के सबसे बड़े पंडित के पास है। उसकी चिंता तुम मत, बड़े पंडित जी से चाबी मैं तुम्हें ला दूंगा। पर कैसे? तुम लोग आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिन रहे? तुम सब मेरा यही इंतजार करो, मैं चाबी लेकर आता। पृथ्वी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमें शेरा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पंडित, तुम और संजय मेले में वापस जाओ। अर्जुन तुम यहीं रहो। जब तक मैं और अर्जुन वापस नहीं जाते, बाबा और शास्त्र को वहां से नहीं मत देना। ये लो खाओ। नहीं, हमें भूख नहीं है। तुम चुरमुरे के लिए मना कर रही हो? जब से यात्रा पे आई हो दिन रात वही तो खा रही थी, क्या हो गया तुम्हें? भोलेनाथ जी अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमने मन्नत जो मांगी है। जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, हम न खाना खाएंगे और न पानी पिएंगे। वो हमने मन्नत मांगी है। मन्नत? कैसी मन्नत? चमकी, सूर्या यहाँ जिस मकसद से आया है ना, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर सूर्या अपने मकसद में सफल नहीं हुआ तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? पता नहीं। तो इसीलिए तुम चुरमुरे के लिए मना कर रही थी? सिर्फ चुरमुरे नहीं, हमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जब तक सूर्या अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, हम पानी तक नहीं पिएंगे। क्या? तो तुम ये सब सूर्या के लिए कर रही हो? सूर्या के लिए नहीं, उसकी जीत के लिए। इसका मतलब शेरा हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। सूर्या कहाँ है? चाबी लाए। शेरा किसी काम के लिए यहाँ करे और वो काम ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये लो चाबी। ये चाबी इसी दरवाजे की है ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात तो बताओ, तुम्हें ये चाबी मिली कहाँ से? मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि तुम लोग आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। शेरा, कभी कभी आम खाने के साथ साथ पेड़ गिनने भी जरूरी है। कम से कम ये तो पता लगे कि उस पेड़ के आम खाने लायक है कि नहीं। तुम कहना क्या चाहते? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम खत्म हो गया शेरा। अब तुम यहाँ बैठकर आम खाओ, मैं पेड़ गिन कर आता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन, बांध दो इसे। शेरा, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो पृथ्वीराज चौहान की तलवार तुम पर उठने से नहीं रुकेगी। देखो पृथ्वी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सही क्या है और गलत क्या है, इसका पता बाद में चलेगा। जल्दी बात करो। तुम लोग पछताओगे। अर्जुन, तुम अपनी नजर इस पे से मत हटाना। मैं मंदिर से शिवलिंग चुरा कर बाबा के तंबू में रखा था। ये यहाँ से नहीं चलेगा। पृथ्वी, देखो मेरी बात। पृथ्वी, खोलो मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।